हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मिस इंडिया कैसे बनते हैं। तो 2019 में मिस इंडिया का खिताब सुमन राव ने जीता था। तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि मिस इंडिया कैसे बनते हैं, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप मिस इंडिया बनना चाहती है तो इसके लिए आप फेमिना मिस इंडिया की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करते समय आपको 3 फोटो भी अपलोड करनी है, जो कि एक क्लोजअप, मिड शॉट और फुल लेंथ वाली होनी चाहिए। फ़ोटो का साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मिस इंडिया बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट की एज 18 से 25 साल तक होनी चाहिए, और हाइट की बात करें तो आपकी हाइट 5 फीट 7 इंच तक होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा। और इसके लिए कैंडिडेट अनमैरिड होना चाहिए। कैंडिडेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले और कंपटीशन के दौरान कंसेप्शन ना करे। कैंडिडेट इंडिया का होना जरूरी है। मिस इंडिया चुनने के लिए देश के सभी राज्यों में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। मिस इंडिया चूज करते समय यह देखा जाता है कि देश से सर्वाधिक बेहतर चेहरा सामने आ सके। हर राज्य की से टॉप 3 चेहरे जोनल क्राउनिंग सेरेमनी में भेजे जाएंगे। सभी स्टेट को 3 जोन में बांटा गया है और जोनल विनर भी घोषित किया जाता है। स्टेट और जोनल विनर ही बाद में मुंबई में होने वाली ऑडिशन में जाएंगी। मिस इंडिया बनने के लिए आप में कुछ खूबी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अपने आप पर आपको भरोसा होना चाहिए कि आप मिस इंडिया बन सकती है। अपने बोलने का तरीका और अपनी प्रोनंसिएशन को डेवलप करना होगा। अपने उठने बैठने का व्यवहार और आपको मॉडलिंग को या फैशन को अपनाना होगा। घर में आप कुछ भी पहने, लेकिन बाहर जाते समय अपने आप को एट्रैक्टिव बनाइए। नया या फिर स्टाइलिश कपड़े पहनिए। अपने आप को जिस प्रकार का हेयर स्टाइल पसंद है, जिसमें आपको अच्छा लगता है और उसमें आप कंफर्टेबल है, उसी प्रकार का हेयर स्टाइल रखिए। जिम ज्वाइन कीजिए और उसमें कड़ी मेहनत कीजिए और हेल्दी डाइट का सेवन कीजिए। अपने लुक को निखारिए, उसे रोज़ साफ़ कीजिए, रोज़ शावर लीजिए और दांत को साफ़ कीजिए। कोई बीमारी है तो पहले उसे ठीक करवाइए और चलने का स्टाइल बदलिए। अपने आप को तैयार कीजिए अगर मिस इंडिया बनना चाहती हैं तो। तो अगर आप में ये सब करने में लज्जा आती है तो आप मिस इंडिया बनने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी। बॉडी फिटनेस के लिए सप्लीमेंट का यूज़ मत करें और एक अच्छी नींद लीजिए। मिस इंडिया बनने के बाद आप मिस वर्ल्ड के लिए भी ट्राई कर सकती हैं, और मिस इंडिया बनने के बाद आप एक्टर भी बन सकती हैं। तो इन्हीं सब बातों का ख्याल रख के आप मिस इंडिया बनने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम इसी प्रकार की कैरियर इन्फॉर्मेशन की वीडियो इस चैनल पर रोज़ अपलोड करते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।